अभी हम आ गए हैं सिरांग मार्केट में। ये खेमेरा जो का दुकान है, इसका सामने हार्डवेयर दुकान है हमारा। तो यहाँ से हमने ये कारपेट देख लिया, ये कारपेट पसंद आया हमको। और यहाँ पर कुछ डिस्टेंपर भी देखे हैं पेंट करने के लिए। 3 महीने से कटिंग नहीं हुआ ना, पूरा जंगल जंगल। और ट्यूशन हॉल का हालत और ख़राब है, क्योंकि हम लोग यहाँ में पूरा जिस दिन माल शिफ्टिंग किया था ऐसे फेंक के गया था। सफाई पूरा करना पड़ेगा। सारा सामान को हमने इस रूम में शिफ्ट कर लिया अकेला। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके सीधा मार्केट गया था। मार्केट जाके ये टीना जो कल मेजरमेंट करके कटवा के रखा था वो लेके आया, एंड डिस्टेंपर रोलर एंड कुछ नेल्स लेके आए। काफ़ी दिनों बाद शर्मा से नहीं गया वाला, अबाउट 2-3 मंथ्स हो गया होगा। मैं मार्केट गया था, वहाँ से जाके 2 पर्दा लेके आया, क्योंकि पुराना जो पर्दा है उसको धुलाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा में रखूँगा क्योंकि वो पर्दा 5 साल पुराना है, तो अभी न्यू से शुरू कर रहे हैं, तो नया पर्दा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बॉय प्रीतम। आज मैं यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम हूं। सो जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करें, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल इस ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2:30 बजे कर रहा हूं। और यहां का वेदर चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है एंड यहां पे कपड़ा वपड़ा सुखाया हुआ है। एंड पिछले 1 महीने से वेदर कुछ ऐसा ही है यहां पे। आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट में सेम सिचुएशन है। हर जगह में फ्लड, बारिश, ऐसा ही मौसम चल रहा है। बीच में धूप उठता है तो अपना कपड़ा वपड़ा सुखाने का काम चलता है। बाकी मेरा जितना भी कपड़ा था, थैंक गॉड, सारा चीज़ सूख के कम्प्लीट हो गया। तो नियर अबाउट घर का सारा काम भी अपना कम्प्लीट, ये कपड़ा पर सुखाना हो गया। अभी हमको फटाफट से 2 दिन के अंदर अपना ट्यूशन हॉल को रिनोवेट करना है। बाकी दुकान का काम किया सुबह से लेके, कुछ बिल्स विल्स बनाना था वो सब किया। अभी थोड़ा मार्केट जाएंगे, क्योंकि ट्यूशन हॉल को रिनोवेट करने के लिए हमें प्लेन शीट चाहिए होगा एंड कारपेट चाहिए होगा। वो दोनों चीज़ का बात करने जाएंगे। अभी पैंथर को निकल के जाऊँगा सीधा मार्केट, एंड ज़्यादा ऊपर ऊपर दिखा नहीं सकता। कभी कभी कुछ कुछ कपड़े आ जाते हैं तो लोग कमेंट करते देखते रहे हमें, कपड़े हैं ये है ये वो है, देख के वीडियो बनाओ। तो अभी चलते हैं पैंथर को लेके मार्केट की ओर। गैरेज भी पूरा गंदा है, एंड मेरा जो बुक्स वगैरह था वो भी मैंने ला के यहीं पर रखा था, तो जो पैशन रूम है, तो हमें वो बुक्स लोग को भी शिफ्ट करना होगा। सोच रहा हूँ कि कार पर सब कुछ डाल के ले जाऊँगा। पहले कारपेट वहाँ पर बिछाना पड़ेगा एंड प्लेन शीट लगाना पड़ेगा। वाल स्क्रू को भी पेंट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़रा गंदा हो गया। जब न्यूली स्टार्ट कर रहे तो थोड़ा सा अच्छी तरह रिनोवेट करेंगे सोच रहा हूँ। एंड जंगल उंगल करने के लिए भी आज ही सब कुछ बातचीत करना पड़ेगा। जंगल काटने के लिए 2 बंदा को मैंने बात किया था। वो हजीरा सिस्टम जो होता है ना, कि एक दिन का जो 350 या 400 या जो भी देना पड़ता है उस हिसाब से करके कटिंग करवाएंगे। तो मार्केट चलते हैं, जाके देखते हैं क्या क्या रेट है एंड पूछ के पसंद करके लेके आते हैं। चलो अभी हम आ गए हैं सिरांग मार्केट में। ये खेमेरा जो का दुकान है, इसका सामने हार्डवेयर दुकान है हमारा। और अभी सिरांग मार्केट में आप ऊपर तरफ देखोगे ना, यहाँ मोबाइल सेंटर भी खुल चुके हैं ये ऊपर। तो यहाँ पे आई थिंक सो मोबाइल रिपेयरिंग भी होता है, नया नया मोबाइल भी मिलता है। बाकी अभी चलते हैं उस दुकान में हार्डवेयर में और पूछ लेते हैं क्या क्या रेट है। तो यहाँ से हमने ये कारपेट देख लिया, ये कारपेट पसंद आया हमको। और यहाँ पर कुछ डिस्टेंपर भी देखे हैं पेंट करने के लिए, ये वाला डिस्टेंपर। एंड और कुछ चीज़ें हमने देखे हैं वो है प्लेन शीट साइड में लगाने के लिए, दिस वन, ये मेरे लिए काफ़ी होगा। तो अभी इन लोगों को देख लिया, अभी आता हूँ घर से आता हूँ, इसके बाद लेके जाएंगे। अभी हम लोग हैं सिरांग मार्केट में। यश हाय बोला। हाय। खेलने में व्यस्त है बेचारा, मोबाइल मत खुला, खराब होगा ना। A few moments later. Right guys, फिलहाल हम आ चुके हैं ट्यूशन हॉल में। और यहाँ का कंडीशन देखो, ऐसा जंगल हो गया। 3 महीने से कटिंग नहीं हुआ ना, पूरा जंगल जंगल। और ट्यूशन हॉल का हालत और ख़राब है, क्योंकि हम लोग यहाँ में पूरा जिस दिन माल शिफ्टिंग किया था ऐसे फेंक के गया था। सफाई पूरा करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्यूशन हॉल करना पड़ेगा। रीज़न भी 10 तारीख से क्लास शुरू है, तो मुझे आज के और कल के अंदर में पेंटिंग करके यहाँ पर पोस्टर्स लगाना पड़ेगा एंड टेबल चेयर का नीचे नया कारपेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लेन शीट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ से चूहा निकलता है, पूरा गंदगी है। यहाँ पे प्लेन शीट लगा दूँगा। बाकी एक दो अगर स्टूडेंट मिल गया तो उन लोग को लेके करूँगा, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। सफाई बहुत करना है मुझे यहाँ पे। तो फिलहाल घर चलते हैं। इस रूम का मैंने चाबी नहीं लाया, इस रूम का चाबी लाना पड़ेगा। सारा माल को इस रूम में शिफ्ट करूँगा आज ही। शिफ्ट करके ऐसा प्लेन शीट लेके आऊँगा यहाँ पर लगाने के लिए। तो अभी मार्केट में सब कुछ दिख गया है, दाम वाम भी पूछ लिया था। तो जो मीटर का जो कारपेट का है वो 250 रुपये है। तो कितना कारपेट लगेगा मेजरमेंट करके ले जाएंगे। पहले इन लोगों सबको उस रूम में ले जाना पड़ेगा मुझे। तो फिर जाते हैं लंच कर लेते हैं, लंच करके सब आता हूँ। ये अपना ट्यूशन हॉल था, इसे मैं वापस शुरू करना पड़ रहा है। चलो
ये ट्यूशन हमको नहीं छोड़ रहा है, मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव लेना पड़ेगा भाई नहीं। तो बाहर का सफाई तो मैंने आदमी से बात किया है, उन लोगों को देना पड़ेगा, ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही भयानक हो गया। या तो ब्रश कटर लेके आएंगे या तो हम दो चार बंदा को लेके आएंगे। अपना पुराना स्टूडेंट होता तो उन लोग 4 घंटे का काम था, उन लोग का रेडी सारिंग लोग होता तो दिक्कत ही नहीं था। जबकि मेरा पासीघाट के जो कंफर्मेंट स्टूडेंट लोग था, उन लोग बोला था कि सर आपको एक दिन के लिए लेके आओ, हम लोग को डम्बू, हम लोग सब कुछ सेटअप कर देंगे आपका। पर वही फिर से पासीघाट जाना है, उनको लाना अच्छा नहीं लगता ना काम के लिए वो भी बस। तो चलो चलते हैं बाहर, अपना पैंथर खड़ा है, यो चलो रूम लॉक करते हैं चलते हैं। ओके गाइस, घर आ चुके हैं, आते ही मम्मी ने लंच निकाल दिया और यहाँ पर लंच में आज आलू चोखा पकोड़ा, ये कुछ भात करेला का है, और यहाँ पर भिंडी, और यहाँ पर दाल, पूरा निरामिष खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भूख लगा है, फटाफट से खा लेते हैं। एंड अभी बज रहा है 3:45, खा के हमको फिर निकलना है क्लास के लिए। 3 hours later ओके गाइस, इवनिंग का बज रहा है 6 एंड अभी मार्केट से मैं थोड़ा सामान वामान देख के अभी ट्यूशन में आया हूँ। एक्चुअली मुझे उस रूम पर चाबी नहीं मिल रहा था, घर में काफ़ी 1 घंटे ढूंढने के बाद चाबी मिल गया। अभी वो वाला रूम खोल दिया हूँ, उसमें पूरा क्लीन करके रखा था मैं। अभी इस रूम का जितना भी सामान है ना, ट्रंक, चेयर, इन लोग सबको मैं उस रूम पर ले जाऊँगा। रीज़न बिहाइंड क्योंकि मुझे कारपेट और पर चेंज करना होगा, तो कारपेट एक दुकान में तो मिला नहीं पर दूसरा दुकान में मिल चुका है। अभी हमको उस रूम को दिखाते हैं, ये रूम पूरा क्लीन करके रखा था मैं पूरा जाने का पहले, तो रूम वैसे ही है। बारिश के दिन में थोड़ा सा भीगा होगा, ये सब मैं 4-5 साल पहले लगाया था, वैसे ही है। तो इस रूम में टेम्परेरी सामान रखूँगा और कल अपन कारपेट लगाएंगे और रूम पेंट करेंगे। तो रूम पेंट के लिए हमने डिस्टेम्पर देख लिया, डिस्टेम्पर लगाने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइट कलर को थोड़ा सा ग्रीन या ग्रीन ही कर देंगे, ग्रीन में अच्छा लगेगा, पूरा मकड़ी का जाल वगैरह है। तो फटाफट से शिफ्ट करते हैं, अकेला ही हूँ, अब मुझे ही करना पड़ेगा, अभी क्या करें। जिंदगी में जन्म भी अकेला हुआ, मरना भी अकेला है, काम भी अकेले करना है, तो करते हैं फटाफट से। चलो बस आप लोग साथ में रहना। सो गाइस, बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया और सारा सामान को हमने इस रूम में शिफ्ट कर लिया अकेला अकेला, एंड इस रूम को भी मैंने पूरा ब्रूम कर लिया, ये रूम पूरा झाड़ू मार के साफ कर दिया। अब इसे लॉक करते हैं, अभी इसमें टीना लगाएंगे हम, इस पोर्शन में, ये वाला पोर्शन में टीना लगाएंगे और इन लोग को डिस्टेम्पर से पेंट करेंगे। फिर पोस्टर जैसे लगाना था, पहले जैसे लगाया हुआ था वो करना है, और कुछ कुछ सीमेंट टूट गया कुछ जगह में, इसमें सीमेंट भी लगाना है, जैसे कि ये जगह में, तो इसमें भी पेंट कर देंगे। एंड हमें पोस्टर्स भी बनाना है, कुछ पोस्टर्स लगाएंगे बाहर, ज़्यादा बड़ा चरा के तो नहीं लगाएंगे, थोड़ा मोटा लगाएंगे पोस्टर, ताकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स को पता चले यहाँ कोचिंग सेंटर है। तो ये अपना बाहर का नज़ारा, चलो लॉक करके चलते हैं अभी। सो गाइस, फाइनली घर पहुंच गए और आते ही गर्मा गर्म चाय दिया मम्मी ने बना के, अभी चाय पीते हुए थोड़ा सीरियल एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे ठीक कल सुबह। इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगा, पूरा रेनोवेशन वाला ब्लॉग आपको इसी में आएगा, उसके बाद जो नया ब्लॉग होगा वो अलग से होगा, क्योंकि पर रेनोवेशन का अलग अलग ब्लॉग देखिए फ़ायदा नहीं ना, इसलिए कल सुबह मिलते हैं फिर आप। चलिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट। एक्चुअली अभी सुबह का बज रहा है 11, तो मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके सीधा मार्केट गया था। मार्केट जाके ये टीना जो कल मेजरमेंट करके कटवा के रखा था वो लेके आया, एंड डिस्टेम्पर, रोलर एंड कुछ नेल्स लेके आए, क्योंकि यहाँ पे खिली मार्केट मुझे लगाना है। अबाउट इसका पड़ गया 1200 रुपया, और अभी कारपेट लाना है, कारपेट के मैं रोइंग में देखूँगा, रोइंग में अच्छा प्राइस मिले तो वहाँ से ले लूँगा, क्योंकि यहाँ का हालत पूरा ख़त्म है। एंड कुछ बच्चे आएंगे दिन को, तो उन लोगों के साथ मिलकर हम इसको पेंट कर देंगे। एंड 2-4 दिन लगेगा मुझे पूरा वापस पोस्टर से लगाने के लिए। बोर्ड को मैं यही लगाऊंगा, दरवाजे के सामने सही रहेगा और सिटिंग पोजीशन ऐसा रहेगा इस तरफ। पहले तो बोर्ड में इस तरफ लगाता, ठंडा सीजन में इधर लगाता हूँ मैं, तो गर्म सीजन में यहाँ लगाता है, लाइट अच्छा आता है। तो ये सब करूँगा एंड 2-4 दिन के अंदर बाहर का जितना भी जंगल है सब काट दूंगा, इस तरफ पूरा काट के क्लियर कर देंगे। तो अभी फिलहाल राजू आने वाला है, हम लोग रोइंग जाने वाले हैं, कुछ मेडिसिन आए तो मेडिसिन को लेके आएंगे, और वहीं पे कारपेट भी पूछ लेंगे, क्योंकि डाम्बो में कारपेट मिल नहीं रहा एक्चुअली, मुझे 16 फुट का 2 टुकड़ा चाहिए, मतलब तो ओवरलैप कर देंगे। पहले मैंने ऐसे ऐसे टुकड़ा लगाया था, वो सही नहीं लगता है, अभी ऐसे ऐसे लगाऊंगा। तो अप्रोक्स 16 फुट का 36 फुट आपका हो जाएगा, 10 मीटर, जैसे 1 मीटर का 250 होता है, तो 2500 रुपया, 3000 रुपया जाएगा इसमें। तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा अपना,
और राजू से बात करेंगे बाहर का जंगल काटने का, किसको देगा क्या करेगा। बच्चे लोग बोला सर गेट का सामने अपन लोग कर देंगे, बाकी लोग हम लोग थोड़ा सा लेबर लगा के करना पड़ेगा क्योंकि कल से जैसे भी मुझे क्लास शुरू करना पड़ेगा, काफ़ी लेट हो गया अभी तक 6-7 बच्चे रजिस्टर भी हो चुके हैं, तो क्लास शुरू करना पड़ेगा मुझे जैसे भी ना, प्लस दुकान का भी काम करना है। कल भी अपन ने सारा दिन में बहुत सारा बिल विल लिखा और भी काम है पापा का, कि दुकान भी अपना ही वो भी करना पड़ेगा, दिन का टाइम वहाँ पर करेंगे। एंड एक रिज्यूमे भी देना है तो रिज्यूमे भी ड्राइंग से बनाऊँगा। तो अभी चलते हैं, मेरे दोस्त आने वाला है तो उसका साथ गाड़ी लेके निकलते हैं। One hour later. So guys, अभी हम लोग हैं रोइंग में और आके पूजा वूजा किया, सामान वामान लिया, अभी मार्केट से सामान वामान लेके मैं जा रहे हैं शर्मा स्वीट्स। काफ़ी दिनों बाद शर्मा स्वीट नहीं गया वाला, अबाउट 2-3 मंथ्स हो गया होगा। आज मंगलवार है तो शर्मा स्वीट में जाके खाना पड़ेगा। देखो ये जाम वाला एरिया, वो क्यों साइड कर रहा था, लेकिन उसको कैसे जाए से जाएगा ना। हाँ नहीं नहीं तुलसी का नहीं, हाँ हो भी सकता है, आदमी का है मम्मी, आदमी का होने से भी ए, ए, तुलसी पत्र होगा, हम कभी ले जाएगा तुलसी पत्र हो गए, अभी नहीं जब मम्मी ला यहाँ से घुमा लो जाएगा। ऐसा जाम है ना रोइंग में, गाड़ी निकलने का जगह ही नहीं होता है, हम होने से कहाँ कहाँ ठोक देगा। ये तो हमारा राजू भाई, राजू बोल के नहीं ठोकते बोले मम्मी भी देखो राजू इज वेरी एक्सपर्ट। अरे इसका नाम चेंज कर दिया, चाट के चस्का का कड़ी हाउस कर दिया, कब से चाट के चस्का का नाम कड़ी हाउस कर दिया। अरे भाई ये अपना शर्मा स्वीट्स, अब यहाँ पार्किंग करना पड़ेगा, इसके बाद घुमा के लेके आओ ना, घुमा के लेके आते हैं। सो गाइस शर्मा स्वीट में जाके कॉफ़ी पिया, आलू पराठा खाया मस्त सब लोगों ने बैठ के, क्योंकि आज मंगलवार है। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, मम्मी भी आ रही हैं वहाँ से, और ये अपना राजू भाई क्या है, पनीर ले आए, कचौड़ी बोल रहे हैं, कचौड़ी कचहरी है कचहरी खाएगा क्या। तो अभी हम लोग निकलेंगे, यहाँ मम्मी आगे से वो सामान ले लेना है, क्या सामान। चलो ऑल राइट गाइस, रात के 9 बज रहे हैं, फाइनली अभी घर पे आए हैं, आके फ्रेश फ्रेश होके रेडी हुए, अभी चाय वाय पीऊँगा। एंड आज हम रोइंग से आ गए थे अबाउट 3:30 PM को, आने के बाद 3:30 से लेके रात के 9 बजे तक फ्लैश जला जला के पूरा पेंटिंग किया। अभी तक मैंने 1 कोट दिया, मैंने कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पेंटिंग हमको बहुत जल्दी ख़त्म करना था, मैं अकेला था। नानू भाई ने वो, क्योंकि मुझे उसको लिक्विड को मिलाना नहीं आता था डिस्टेंपर को, तो नानू भाई ने हमको मिला दिया पानी में, और कुछ 2 स्टूडेंट भी आए थे हेल्प करने के लिए, तो 1 कोट तो दे दिया हूँ। अभी अंदर का रूम का कोट देना है, उसके बाद बहुत सारा काम बचा हुआ है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी अभी रात को आने का समय मैं मार्केट गया था, वहाँ से जाके 2 पर्दा लेके आए, क्योंकि पुराना जो पर्दा है उसको धुलाना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा में रखूँगा क्योंकि वो पर्दा 5 साल पुराना है, तो अभी न्यू से शुरू कर रहा है, तो नया पर्दा, तो ये पर्दा मुझे पड़ गया 620 रुपया का, एक दरवाज़ा का पर्दा, एक खिड़की का पर्दा, ऐसा खिड़की का पर्दा और एक दरवाज़ा का पर्दा, तो ये अपन लगा देंगे कल। एंड कल से मेरा क्लास भी शुरू है, लेकिन मेन क्लास मैं 15 से शुरू करूँगा, कल 1-2 क्लास आएगा। कल मुझे अंदर का पेंट करना है, बाहर का पेंट करना है, फिर कारपेट खरीदना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए मुझे एप्लीकेशन सबमिट करना है, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। एंड जंगल कटिंग भी होगा, कुछ बच्चे आए थे उन लोग, जो मेरा क्लास 10 के बच्चे 11 साइंस में गए, उन लोग आए थे। सो मिलते हैं फिर से एक नए दिन में, एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक ले खुश रहिए, अपने मन के करे, अपने दिल के सदस्य बॉय प्रीतम साइनिंग आउट, जय हिंद जय भारत, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।